ये बहुत कॉन्डम यूज करें, मतलब इतने कॉन्डम यूज कर लिए और दोनों चीज के लिए यूज करें। मैं जैसे ही गया उसके पास, मैं बोला भैया एक कॉन्डम देना, उसने पहले पूछ लिया कौन सा, मैं 2 मिनट ले चुप। फिर बोला मैंने मेडिकल वाले को, शेरवानी मिलेगी क्या मेरे फोटो के लिए। 7th या 8th स्टैंडर्ड में था और मम्मी तो मतलब चकरा गई थी, क्या है बेटा। Have you ever used a condom? What is condom, dude? I don't know. मैं ये सब चीजें नहीं करता, मतलब obviously मैंने यूज करा है। पुल आउट गेम थोड़ा वीक है अपना, तो यूज करना पड़ता है। आई बिलीव कि सेक्स सिर्फ शादी के बाद होना चाहिए। जस्ट किडिंग। या सिर्फ देखा हूँ, यूज नहीं कर पाया अभी तक। Of course, I have always used a condom. 2 बार नहीं शायद। ये बहुत कॉन्डम यूज करें, मतलब इतने कॉन्डम यूज कर लिए और दोनों चीज के लिए यूज करें, फॉर द सेक्सुअल पार्ट एंड फॉर द होम पार्ट। अरे मास्टरबेशन की बात करूं दोस्त। ओके, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू बॉट वन? मई 2020, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन के बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ एक्शन मिला ही नहीं। कभी लिया था मैं, डीमार्ट से लिया था, वो याद है मेरे को। दो तीन महीना हो गया, मैं 10 का पैक लिया था जाके। कल ही खरीदा है, रिसेंटली एक्चुअली। सो किंग, आई डनजोड इट एंड इट जस्ट केम टू माय हाउस इन एन एल्बम, लाइक इन अ ब्राउन बैग। तो अब मैं बल्क में खरीदता हूँ, ठीक है? अपना घड़ी घड़ी जाके 1, 3, नहीं 10 का पैकेट दो, 3 दो, जो जो नया आया है सब दे दो, ये सब नहीं पसंद, यही पसंद, सादा सिंपल ऑर्गेनिक। डू यू रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम यू बॉट वन? या, इट इज अ वेरी फन स्टोरी। सो आई वॉन्टेड टू बाई इट, बट गिल्ट इतना था, शेम इतना था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। सो आई हैड लाइक अ होल स्टोरी प्लान। मैं पहले इधर उधर दो चार दवाइयाँ पूछता रहा, मैंने कहा पैरासिटामॉल कितने की है, ये कितने की है, भैया पैरासिटामॉल के दाम कौन पूछता है। फिर मैंने बुखार उखार का नाटक करा, फिर मैं कॉन्डम की तरफ मैंने घूर के देखा और थोड़ी देर तक देखता रहा, भैया मेरी तरफ घूर के देखते रहे, और फिर भैया ने खुद ही लाके कहा कि ले जाओ। तो आई आस्क फॉर द कॉन्डम्स और फिर वो पूरा था, और क्या चाहिए, कौन सी वैरायटी चाहिए। एंड आई वाज लाइक, नहीं नहीं ये तो हमारा वो एक स्ट्रीट प्ले है, उसके लिए प्रॉप चाहिए, तो कोई भी चलेगा, कोई भी कॉन्डम दे दो। एंड आई जस्ट लाइक गॉट इट। और बाजू में एक आंटी था और एक अंकल भी था, मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ रहा नहीं है। फिर मैं जाके उसको ऐसा बोला, अंकल कोई नहीं, बट पेन के मैंने कुछ करा नहीं, मेरे को कैसे फील आया वो। हम लोग शायद NCC कैंप में थे और वहाँ पर एजुकेट करने के लिए बच्चों को आए थे लोग, और हमें वहाँ मिला था एक फ्री सैंपल जो मेरे बैग में आया था कैंप के बाद घर, और मम्मी देख के पगला गई थी। मैं 7th या 8th स्टैंडर्ड में था और मम्मी तो मतलब चकरा गई थी, क्या है बेटा। कुछ नहीं, जस्ट बहुत शाय फील कर रहा था। फिर बोला मैंने मेडिकल वाले को कि कुछ शेरवानी मिलेगी क्या मेरे छोटू के लिए। अच्छा ये बताओ, सिर्फ कॉन्डम खरीदते हो या कुछ और भी खरीदते? नहीं, ओनली कॉन्डम, बट बीच में आई थिंक तब लूब खरीदा। फ्लावर्स, चॉकलेट्स और लूब? नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिर्फ कॉन्डम ही खरीदा है यार। आई हैव आल्सो स्टार्टेड बाइंग लूब्स। नहीं, जूस खरीद लेता हूँ क्योंकि थक जाता हूँ जल्दी, कट सिट्टे उट्टे ले लिए, क्योंकि सिगरेट के बाद, सॉरी सेक्स के बाद एक सिगरेट का मजा ही कुछ और है। अगर दिन अच्छे नहीं चल रहे तो कभी भैया चाहिए भैया एक वायग्रा दे देना, तो मांग ली चीजें, लेकिन हाँ मोस्टली कॉन्डम। अच्छा, इफ यू हैव टू से वन थिंग टू योर यंगर सेल्फ बिफोर यू बॉट दैट कॉन्डम, व्हाट वुड इट बी? 2-3 ढंग के यूट्यूब वीडियोज और आर्टिकल देख के और आर्टिकल्स पढ़ के, सो दैट यू हैव सम आइडिया कि क्या मांगना है, एंड डोंट गेट योरसेल्फ एम्बैरेस्ड। जाके तू ब्रो ड्यूरेक्स का कॉन्डम लेना, कोहिनूर का मत लेना, और वो कपड़ के ऊपर छुपाना मत। छोटा सा एंडी डिड फाइन, आई मीन ही वाज क्रिएटिव विद इट। मैंने अंकल के सामने, अंकल ने पूछा भी नहीं, और मैंने बोल दिया था कि नहीं नहीं ये तो प्ले के लिए ले रहा हूँ मैं, थोड़ी यूज कर रहा हूँ। तो दैट वॉज स्नीकी इनफ, गुड। आई मीन यू डिडंट हैव टू प्रिटेंड, बट इट्स ओके, दैट वॉज योर फर्स्ट टाइम एंड इट शुड हैव बीन लाइक दैट ओनली। बी ओपन माइंडेड, कॉन्डम इज ओके। कॉन्डम अगर आप खरीद रहे हो तो आप सही काम कर रहे हो, है ना? तो ये सा दुनिया क्या सोचेगी, वो बाजू वाला जो मेडिकल में क्रोसिन लेने आया है वो क्या सोचेगा, नहीं सोचने का, उसको हेडेक हो रहा है। आपको अपनी लाइफ और आगे वाले के साथ जो करने वाले हो कार्यक्रम, उसको प्रोटेक्ट करना है, आगे वाली या वाला आपके हिसाब से जो भी आपको जाने। यू शुड नॉट वरी कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, स्पेशली मेडिकल शॉप के अराउंड जो लोग होंगे वो ऐसे स्टेयर लुक्स देंगे कि अरे कॉन्डम खरीद रहा है ये, आज तो करके आएगा वगैरह वगैरह। जा और कॉन्डम ले, तुझे अगर एड्स हो गया, तुझे कोई बीमारी होगी, तेरे माँ बाप सफर करेंगे, तो मांग कॉन्डम और खुल के मांग, और मांग सबके मुंह पे और पूरे समाज के मुंह पे कॉन्डम मांग, और ऐसा कॉन्डम मांग कि देने वाला कॉन्डम देते शर्माए नहीं, मांग कॉन्डम। ओके गाइस, अगर आपने भी कभी ऐसा कॉन्डम खरीदने का टाइम पे आप लोग कभी ऐसा सीन हो गया रहेगा, कोई ऐसा पहचान का अंकल विंकल आया रहेगा या कुछ ऐसा सीन रहेगा आपका, कमेंट सेक्शन में बता दो हमको। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आस्क मैन इंडिया।